अम्बाला शहर के खालसा स्कूल में स्कूल के दोबारा शुरू होने पर सुखमणि साहिब का पाठ रखवाया गया। यह स्कूल नर्सरी कक्षा से पहली कक्षा तक शुरू किया गया। यह स्कूल लगभग 25 साल के बाद शुरू किया गया। इस स्कूल में CBSE पैटर्न से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और स्कूल में सभी धर्मों के बच्चों को दाखिला मिलेगा और स्कूल की फीस भी कम है, जिससे उन बच्चों को शिक्षा लेने का मौका मिलेगा जो स्कूल की फीस नहीं भर सकते। हरपाल सिंह से बात करते समय उन्होंने बताया कि यह स्कूल काफी समय से बंद था और यह अम्बाला का एक ऐतिहासिक स्कूल है, क्योंकि देश के सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर इसी स्कूल से पढ़ चुके हैं। हम लगभग उम्मीद खो चुके थे कि यह दोबारा शुरू हो पाएगा, लेकिन अम्बाला की जनता ने हमें यह हौसला दिया और इस स्कूल को दोबारा शुरू किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा मेन दुआब दीवान सोसाइटी, जो कि पिछले काफ़ी सालों तो इस स्कूल की सेवा चलाती आ रही, पिछले 3-4 साल तो जदों नवा स्टाफ जिहड़ा सीगा सारा हरियाणा सरकार द्वारा अडोप्ट कर लिया गया सी, उस तो बाद नवे इलैक्शन बन के हो के कमेटी नवी बनी है और उस तो बाद नवे सिरे तो स्कूल नू सुरजीत किया गया है। साढ़े SGPC मैंबर सरदार हरपाल सिंह की अगवाई संगत ने सारी शहर दियाँ सोसायटियाँ सभावान रल मिल के सहयोग कर रही हैं। ये स्कूल खाली है नहीं, इंग्लिश मीडियम भी होएगा और घट बजट वाले बच्चों वास्ते भी फैसिलिटियाँ दी जाएगी, फीस भी बहुत घट रखी जाएगी। इस वास्ते सारों एक स्कूल के नवे चलन की सारिया संगतान बधाई देना और आस रखदा, जिमें पुनिया जी ने दसिया प्रोग्राम भी हर एक आदमी सलाह तो अपनी देन नाल सहयोग ही देन, हर एक आदमी सहयोग भी दवे, ये बेनतियां प्रवान करनिया। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। मेरे नाल साडे जगजीत सिंह जी, ये नर्सरी KG LKG तो लैके फर्स्ट तक 4 क्लासा स्टार्ट की जा रही हैं। इस साल अगले साल तो आप पूरा स्कूल 10वीं तक चलावे। अम्बाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।